नमस्कार, एस्ट्रो सेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य अनिल कुमार शर्मा। हम आज बात करेंगे कि 2022 हमारी राशियों के लिए कैसा रहेगा। आप मेरे से वार्ता पे बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। आइए तो हम बात करते हैं अभी कुंभ राशि के बारे में। जिनका जो साइन होता है वो घड़े का होता है, इनकी जो सहन शक्ति होती है वो घड़े की तरह बहुत ज़्यादा होती है। कुछ भी इनको बोल दो, कुछ भी कह दो, ये सब कुछ सहन कर लेते हैं। इनकी जो कद होता है वो एवरेज से ज़्यादा होता है। इनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, गर्दन इनकी लंबी होती है। शनि देव की ये राशि है, इनके स्वामी शनि देव होते हैं। ये धीरे धीरे प्रगति करते हैं, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स एक साथ नहीं देते हैं। आप इनसे कुछ भी बोलेंगे ये बहुत सोच समझ के 10 बातों का एक ही जवाब देते हैं। ये कुंभ राशि वालों की विशेषता होती है। कुंभ राशि वालों के लिए 2022 क्या लेके आया है, इनके स्वास्थ्य के कैसे संबंध रहेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य संबंध कैसे रहेंगे, नौकरी में क्या रहेगा, इसके लिए हम बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के गुरु बृहस्पति इनके लग्न में विराजमान है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन भी इनका अच्छा रहेगा। लेकिन अभी इनके 12वें स्थान में शनि और बुध की युक्ति थोड़ी सी आपको टेंशन दे सकती है। बुध 12वें स्थान में ठीक नहीं होते हैं, थोड़ा मेंटली टेंशन हो सकती है आपको। आय के क्षेत्र में प्रगति होगी, आय के नए स्रोत मिलेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद ही संभव है। अप्रैल तक थोड़ी सी इनकम में आपकी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अष्टम स्थान में सूर्य की पूरी दृष्टि आई हुई है आपके में, और आपके 10वें स्थान में मंगल चंद्र और केतु का योग है। तो मंगल का यहाँ रहना बहुत अच्छी योग है, मतलब आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन होने की पूरी उम्मीद है, प्रमोशन रहेगा। राहु चौथे भाव में विद्वान है आपके में, चौथे भाव में राहु अच्छे रहते हैं। प्रॉपर्टी क्रय विक्रय के योग दिखाते हैं, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के योग दिखा रहे हैं आपके में। गुरु बृहस्पति अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करने के बाद में धन लाभ होने की आपको उम्मीद है, धन लाभ होगा। और अप्रैल के बाद जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में, उनको विशेष फायदा होने वाला है, उनके भाग में बढ़ोतरी होगी, एजुकेशन में ग्रोथ होगी, मन माने प्रणाम मिलने की उम्मीद है। लेकिन जो लोअर एजुकेशन में हैं उनको भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सूर्यदेव की सीधी दृष्टि आपके आपके पंचम भाव पर पड़ी हुई है। तो इसके लिए 2022 में अच्छे फल प्राप्त करने के लिए, खुशहाली लगातार बनाए रखने के लिए, हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया शनि मंदिर में जलाएं और पीपल के पेड़ में वृक्ष में जल दें, तो आपको खुशियां लगातार बनी रहेंगी। जी, हमने जाना कि 2022 इन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपकी कोई दुविधा है, कोई शंका है, आपको किसी भी क्षेत्र में कोई दिक्कत है, पारिवारिक मैटर है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य में परेशानी है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या दोस्तों के साथ मन हो रही है, कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, तो इसकी किसी भी तरह की समस्या के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करें और वार्ता पैनल पर डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। जी, आपका नया साल आपके लिए मंगलमय रहे, इस कामना के लिए जय श्री कृष्णा जी। For regular updates, follow our Instagram page right now.